Hello, welcome to Northeast PSC. Today we will be discussing about climate finance. ऐसा कोई वीक नहीं होता है जब कोई एक आर्टिकल नहीं छपा हो with respect to climate change. क्लाइमेट चेंज एक रियलिटी है और इसको रोकने के लिए इसकी जो आपका सीवियर रिपरकशंस हैं, अगर उससे बचना है हमें इतना तेज़ी से हमें काम करना है टू स्टॉप द डिग्रेडेशन ऑफ क्लाइमेट. इसके ऊपर हर हफ्ते हम लोगों को एटलीस्ट एक ना एक तो हमें आर्टिकल देखने के लिए मिलते हैं, चाहे द हिंदू में हो, इंडियन एक्सप्रेस में हो, वगैरह वगैरह. तो क्लाइमेट फाइनेंसिंग क्या होता है इसको हम लोग देखेंगे. तो क्लाइमेट फाइनेंसिंग इज रिलेटेड विद क्लाइमेट चेंज. तो क्लाइमेट चेंज के बारे में आप सबको कुछ ना कुछ पता होगा कि हाँ, जो है दुनिया की जो टेम्परेचर वो बढ़ रही है. जो पेरिस क्लाइमेट समिट हुई थी 2015 में, ठीक है, वहाँ पर बोला गया था कि इस सेंचुरी के एंड तक हमें ये कोशिश करना है कि 1.5 डिग्री सेल्सियस जो प्री इंडस्ट्रियल लेवल पे जो हमारा टेम्परेचर था उससे ज़्यादा बढ़ने नहीं देना है. तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपके जहन में होगा. लेकिन क्लाइमेट फाइनेंसिंग क्या होता है, अगर हमें क्लाइमेट चेंज को रोकना है, अगर इसको हमें फाइट करना है, तो क्या ये बहुत इजी फाइट है? क्या हर कोई क्लाइमेट चेंज को रोकने की कोशिश कर सकता है? क्या मतलब इसमें कुछ कॉस्ट इन्वॉल्व है? अगर इन्वॉल्व है, कितना ज़्यादा कॉस्ट इन्वॉल्व है? क्या डेवलप्ड कंट्रीज़ के लिए ज़्यादा आसान है क्लाइमेट फाइनेंसिंग करना या फिर डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए? तो ये सारे क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे. ओके, सो दिस इज़ मी. ए फ्यू डिटेल्स अबाउट मी इज़ दैट आई हैव बीन टीचिंग पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस फॉर द लास्ट 3 years. माई एजुकेशन इज़ कम्प्लीटेड फ्रॉम जामिया मिलिया इस्लामिया न्यू दिल्ली. सो दिस आर फ्यू डिटेल्स. If you want to know a few more things about me, you can get in touch with me on Twitter, that is presently called X, and LinkedIn. Okay, without any further delay, let us begin the discussion. What is climate finance? Let us see the broad overview. It refers to the financial arrangements that are specific to the use of projects that are environmentally sustainable, projects that adopt द aspects ऑफ क्लाइमेट चेंज. तो ये बोलते हैं कि यहाँ पर हम लोग किसकी बात करें, फाइनेंशियल अरेंजमेंट की बात करें, ठीक है. और ये फाइनेंस कहाँ पर डाला जा रहा है, कुछ प्रोजेक्ट्स में जो हम लोग फाइनेंस मतलब पैसा लगा रहे हैं, और वो सारे प्रोजेक्ट क्या होगा आपका, सस्टेनेबल होगा आपका. किस तरह से सस्टेनेबल, एनवायरमेंटली सस्टेनेबल. तो सस्टेनेबिलिटी की जब हम बात करते हैं, बहुत ही बेसिक डेफिनेशन हम सबको पता है कि इट इज़ फुलफिलिंग द डिमांड ऑफ प्रेजेंट नीड्स, कीपिंग इन रेस्पेक्ट टू द कीपिंग इन माइंड द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन. मतलब आज के डेट की जो हमारी ज़रूरतें हैं उसका हम पूरा कर रहे हैं, लेकिन फ्यूचर जनरेशन की जो ज़रूरतें हैं उसका हम लोग कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं. तो उसका हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं. तो एनवायरमेंट क्या है, ये हमारे वो है, सेफगार्ड है. हमें जो फॉरेस्ट्स हैं वहाँ से हमें क्या मिलती है, ऑक्सीजन मिलती है. जब कभी तूफान आता है, यह हमारे शॉक एब्जॉर्बर के तौर पे काम करते हैं. फ्लड आता है तो ज़मीन को पकड़ के रखते हैं. सो एनवायरनमेंट इज़ एक्सट्रीमली क्रूशियल. विदाउट एनवायरनमेंट वी कैन नॉट इवन इमेजिन द एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन लाइफ और एनी काइंड ऑफ लाइफ दैट सर्वाइव्स ऑन ऑक्सीजन. तो बात यह है कि ये एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के लिए जो भी प्रोजेक्ट्स हम लोग करते हैं उसमें जितना भी खर्चा होता है उसको हम लोग फाइनेंशियल अरेंजमेंट्स को हम लोग क्लाइमेट फाइनेंसिंग के तौर पे समझ सकते हैं. इसमें क्या क्या होगा, प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम रिन्यूएबल सोर्सेज लाइक सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, बायोगैस. आज के डेट में आपको पता है कि जो हमारा पेट्रोलियम है या नेचुरल गैसेस हैं, जो हम लोग कोल क्या फॉसिल बेस्ड जो फ्यूल के ऊपर डिपेंडेंट है, ये एक टाइम के बाद क्या हो जाएगा आपका, एग्जॉस्ट हो जाएगा. एक टाइम के बाद ये एग्जॉस्ट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा. तो ऐसे में वी मस्ट एक्सप्लोर अल्टरनेटिव्स, ठीक है. तो वो अल्टरनेटिव क्या होगा, हमें रिन्यूएबल सोर्सेज की तरफ जाना चाहिए. ऐसे सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो पेरिनियल है, जब तक ये धरती रहेगी तब तक ये इसकी हमें लाभ मिलेगी. सोलर एनर्जी जो सूर्य है, सन से हम लोग सोलर एनर्जी को हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्सप्लॉइट कर सकते हैं. फिर विंड एनर्जी, बायोगैस, ये सारी चीज़ें तब तक रहेगा टिल इटर्निटी, है ना. तो हमें रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी के बारे में बात करना चाहिए. ये क्लाइमेट चेंज क्लाइमेट फाइनेंस में हम लोग बात करते हैं. फिर क्या होता है, जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन बहुत ज़्यादा हद तक क्या होता है, हमारे व्हीकल से होता है, ठीक है, व्हीकल से होता है. आज के डेट में आपने सुना होगा इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल,
ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक जो व्हीकल्स है बहुत ज़्यादा, ईवी जिसका हम लोग कहते हैं, बहुत फेमस हो रहा है। तो ईवी जो है ये क्या करेगा, जो आपका ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को रिड्यूस करेगा। तो ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लीन ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर बात करते हैं ये क्लाइमेट फाइनेंस के थ्रू। एनर्जी एफिशिएंट प्रोजेक्ट्स लाइक ग्रीन बिल्डिंग, ऐसी बिल्डिंग जिसके वजह से क्या होता है आपका आसपास में किसी भी तरीके की एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन ना हो। हाँ, आपको क्या ना हो, वहाँ पर आपको पता है दिल्ली में एक वो है, एक होटल है ला मेरिडियन करके, ठीक है, ला मेरिडियन बहुत बड़ा सा होटल है, ठीक है, सेंट्रल दिल्ली में स्थापित है। तो ये जब बिल्डिंग बना था उससे पहले, बिल्डिंग बनने से पहले उस एरिया आपकी जो टेम्परेचर थी, बिल्डिंग बनने के बाद वो टेम्परेचर 2 डिग्री बढ़ गया है, तो इट इज़ ऑब्वियसली नॉट ए ग्रीन बिल्डिंग। तो हमें ग्रीन बिल्डिंग की जब हम बात करते हैं, इट टेक्स इनटू कंसिडरेशन दी यू नो सीरियसनेस ऑफ इन्वायरमेंटल कॉन्सर्न्स, तो इन्वायरमेंट की जो भी कॉन्सर्न है उसको मद्देनजर रखते हैं। उसके अलावा क्या होता है, वेस्ट मैनेजमेंट दैट इंक्लूड्स रिसाइकलिंग, एफिशिएंट डिस्पोजल एंड कन्वर्जन टू एनर्जी। तो ये सारे चीज़ें हम लोग क्लाइमेट फाइनेंस के चीज़ अंदर हम लोग समझने की कोशिश कर सकते हैं। तो ये रिसेंटली क्या हुआ है, आपका जो क्लाइमेट फाइनेंस है उसको, उसका रिव्यू वो आया है 2023 में, उसका अपडेटेड आया है कि क्लाइमेट फाइनेंस किस तरह से काम कर रहा है, उसमें क्या कितना खर्चा हुआ है, क्या डेवलप कंट्रीज़ जो कमिटमेंट किया था उसको अपहेल्ड कर रहे हैं कि नहीं। तो हमारी जो डिस्कशन है इट इज़ बेस्ड ऑन एन आर्टिकल फ्रॉम द हिंदू, उसके अलावा हम लोग टाइम्स ऑफ इंडिया से भी हम लोग लिए हैं और इंडियन एक्सप्रेस से भी उठाए हैं। सो क्लाइमेट सिनेरियो को समझते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको बोलते हैं OECD, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। ये एक ऐसा संस्था है, ठीक है, जो सबसे पावरफुल, जो इकोनॉमिकली जो पावरफुल रिच कंट्रीज हैं उनकी एक समूह है। तो ये क्या करता है, एक रिपोर्ट लाया है कि जो क्लाइमेट फाइनेंसिंग को लेकर जो कंट्रीज़ ने जो कमिटमेंट किया था 2015 में कि हम लोग हर साल क्या करेंगे, हर साल हम लोग $100 बिलियन हम लोग डेवलपिंग कंट्रीज़ को देंगे ताकि वो क्या कर पाए, एनवायरमेंटल जो प्रॉब्लम से उससे लड़ पाए। क्योंकि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनके वहाँ पर क्या हुआ है, आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है उनके अंदर, वहाँ पर क्या हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन सबसे ज़्यादा हुआ। अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन आपके वहाँ पर ज़्यादा हुआ है तो एमिशन आपने सबसे ज़्यादा किया है, है ना। बहुत सारे ऐसे डेवलपिंग कंट्रीज हैं जहाँ पर ढंग के कोई कंपनियाँ नहीं हैं, तो वो तो भाई जो एमिशन है, जो कार्बन एमिशन हो रहा है उसमें तो उनका कंट्रीब्यूशन उतना ज़्यादा नहीं है। तो क्योंकि डेवलप कंट्रीज़ जो आपका मिड 18th सेंचुरी से 1750 के बाद से, जो इंग्लैंड में, फिर फ्रांस, फिर जर्मनी, ऐसे कंट्रीज़ में जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था, तो ये लोग तब से पोल्यूशन कर रहे हैं। अगर तब से पोल्यूशन कर रहे हैं, इनके ऊपर क्या है, हिस्टोरिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी है। क्या है इनके ऊपर, हिस्टोरिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो आपने एमिशन किया है उसके लिए आप क्या करें, एडिक्वेट स्टेप्स लें, और इसकी पूरी बर्डन क्या जो डेवलपिंग कंट्रीज है उसके ऊपर नहीं जाएगा। अगर ये ऐसा होगा फिर तो वो अनजस्ट हो जाएगा, ना तो उनके वहाँ पर डेवलपमेंट हुई है, ना उनको बेनिफिट मिली है, बस क्या मिला उनको, एक पोल्यूशन मिला, दूसरों को फाइनेंशियल प्रॉब्लम मिलेगा। तो इसीलिए 2015 में ये प्रॉमिस किया गया था कि जो डेवलप कंट्रीज है वो $100 बिलियन हर साल देगा। लेकिन क्या हम लोग क्या देखते हैं कि एंड एडेप्टेशन नीड्स ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज इन 2021 1 ईयर पास द 2020 डेडलाइन। तो OECD ने दिखाया कि जो डेवलप कंट्रीज है उन्होंने अपने जो कमिटमेंट था उस कमिटमेंट से फेल हो गया, दे कुड नॉट अप हेल्ड दैट कमिटमेंट, दे फेल शॉर्ट ऑफ फाइनेंसिंग दिस $100 बिलियन ए ईयर। तो ये रिपोर्ट कहता है कि 2021 में सिर्फ $89.6 बिलियन लगाया गया था, ठीक है, और ये 2021 की बात करें तो 2020 के कंपैरिजन में 2021 आते आते 14% क्या होगा, डिक्लाइन हो गया, 14% डिक्रीज हो गया इन दी अमाउंट ऑफ फाइनेंसेस दैट वाज डिस्पेंस्ड फॉर दी डेवलपिंग कंट्रीज, ठीक है। तो ये हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये OECD की जो डेटा है, ये जो उनका जो रिपोर्ट आया है, ये इम्पोर्टेंट क्यों है। तो पहली बात तो ये है कि काफ़ी रिच कंट्रीज़ की समूह है OECD, ठीक है। तो ये बोलते हैं ये हमें इसलिए ज़रूरी है क्योंकि COP 28 होने जा रहा है, कहाँ पर, UAE में होने जा रहा है। COP 27 कहाँ पर हुआ था, इजिप्ट में कहाँ पर हुआ था, ये सिटी का नाम आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। और COP 26 कहाँ पर हुआ था, COP 26 हुआ था इंग्लैंड में एक जगह है, शहर है जिसका नाम है ग्लासगो। तो
COP28 से पहले हमें जो एनवायरमेंटल जो हमारी अवेयरनेस है, एनवायरमेंटल जो हमारी सीरियसनेस है, कमिटमेंट है, वो कितने हद तक आगे बढ़ा है, इसके लिए ये OECD की जो रिपोर्ट है ये इम्पोर्टेंट बन जाता है। ठीक है, द रिपोर्ट ऑल्सो कम्स अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ ए प्लेज मेड बाई डेवलप्ड नेशंस इन COP26 ग्लासगो में। क्या बोला है इन्होंने 2020 में बोला कि हमारा जो फाइनेंशियल जो हमारी कमिटमेंट है वो हम लोग दोगुनी कर देंगे। कब से ये बोला था? COP26 की मीटिंग में। ठीक है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज UNFCCC यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क और फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज UNFCCC, तो इसका जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होता 26 वाला, तो वहाँ पर ये डेवलप कंट्रीज बोल रहे थे हम क्या करेंगे, आपको जो हमारी फाइनेंशियल कमिटमेंट है उसको डबल कर देंगे। इसीलिए इसका एक एनालिसिस COP28 से पहले होना बेहद ज़रूरी था। द फेलियर टू मोबिलाइज एडिक्वेट फाइनेंशियल एडिक्वेट क्लाइमेट फाइनेंस लोअर्स कैपेसिटी इन डेवलपिंग कंट्रीज टू एड्रेस क्लाइमेट मिटिगेशन एंड एडेप्टेशन नीड्स। तो ये क्या करता है, जो हमारे डेवलपिंग कंट्रीज है उनके लिए और ज़्यादा क्या हो जाता है, प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। उनको ये फाइट करना, क्लाइमेट से रिलेटेड जो चैलेंजेस है उसको फाइट करना बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, क्योंकि जो अपने कमिटमेंट किया है, एक तो डेवलपिंग कंट्रीज अगर हम बात करें सीरा लियोनी, ईस्ट टिमोर, ठीक है, फिर आपका मादागास्कर, ये सारे कंट्रीज़ को अगर आप बताएं कि आप इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स से लड़ें, भाई उनके वहाँ पर गरीबी इतना ज़्यादा है, उनके ऊपर पॉपुलेशन इतना ज़्यादा है, उनके वहाँ पर रिसोर्सेज नहीं है, तो वे कैसे करेंगे? तो जो आपका कमिटमेंट है अगर आप उसका आप हेल्ड नहीं करते हैं, तो ये जो डेवलपिंग कंट्रीज है उसको और ज़्यादा डिसएडवांटेजियस पोजिशन में डाल देते हैं। तो ये क्लाइमेट फाइनेंस की जो बातें हैं, ये जो हाउ इज़ क्लाइमेट फाइनेंस अकाउंटेड फॉर, तो क्लाइमेट फाइनेंस की जो पैसा है ये किस तरह से आएगा। ठीक है, सो OECD रिपोर्ट शोड दैट ऑफ द $73.1 billion मोबिलाइज्ड इन 2021 बाय द पब्लिक सेक्टर एंड बाय बायलैटरल एंड मल्टीलैटरल चैनल्स $49.6 billion वाज प्रोवाइडेड एज लोन्स। तो बोलते हैं कि $73.1 billion क्या किया गया था, आपका पब्लिक सेक्टर से गवर्नमेंट के द्वारा उठाया गया था, और जो मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक्स हैं MDBs वहाँ से $49.6 billion लोन के तौर पर लिया गया था। तो ये एक ओवरव्यू है, आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको मतलब ये सारे डेटा याद नहीं रखना है, बट यू नीड टू नो व्हाट इज़ द गेम बिहाइंड दिस होल यू नो ब्यूटीफुल कमिटमेंट्स ऑफ प्रोटेक्टिंग एंड प्रोटेक्टिंग द एनवायरनमेंट, इसलिए आपको ये जानना ज़रूरी है। सो while the report does not classify them in terms of the rates at which they are provided, data available elsewhere sheds light on the extent to which rich countries rely on loans at commercial rates to fulfill their climate finance obligations. तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो developed countries हैं ये नहीं बताते, ये जो report है it does not classify them in terms of the rates at which they are provided, वो जो climate financing कर रहे हैं जो countries को दे रहे हैं वो कितने पैसे में दे रहे हैं, उसका क्या loan है, क्या system है, उसको बात नहीं कर रहे हैं, बट ये कहने की कोशिश किया जा रहा है कि developed countries कितने हद तक loan उठा रहे हैं अपने commitment को fulfill करने के लिए। तो क्लाइमेट पॉलिसी इनिशिएटिव नाम के एक ग्रुप है, उन्होंने ये पाया कि द ग्लोबल क्लाइमेट फाइनेंस फ्लोज बिटवीन 2011 एंड 20 फाउंड दैट 61% ऑफ क्लाइमेट फाइनेंस वाज प्रोवाइडेड एज लोन्स। तो यहाँ पर बोलते हैं कि 61% जो क्लाइमेट फाइनेंस था वो लोन के तौर पे दिया गया था, और उसमें से 12% क्या था, कॉन्सेशनल इंटरेस्ट पे था, बाकी जितने भी आप लोन की बात करते हैं वो कॉन्सेशनल लोन नहीं था, मतलब वो लोन एक टाइम के बाद आपको चुकाना पड़ेगा, डेवलपिंग कंट्रीज के द्वारा चुकाना पड़ेगा। इट मीन्स द कंडीशंस अटैच टू सच फाइनेंसिंग कुड फर्दर एग्जासर्बेट डेट स्ट्रेस। तो आप गरीब कंट्री को आप पैसा दे रहे हैं, लोन में दे रहे हैं, भाई जिसका ऑलरेडी हालत ख़राब है, आप उनको बोल रहे हैं कि आप क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करने के लिए ये सब काम करें, आपके पास पैसा नहीं है तो हम आपको क्या देंगे, हम आपको लोन देंगे, और वो आप लोन बाद में चुकाना, भाई एक तो वो ऑलरेडी इकोनॉमिकली स्ट्रेस्ड है, आप उसको लोन दे रहे हैं, फाइनेंशियल बर्डन डाल रहे हैं, और वो डेट ट्रैप में चले जा रहे हैं। ठीक है, इट मीन्स द कंडीशंस अटैच्ड टू द फाइनेंसिंग कुड फर्दर एग्जासर्बेट डेट स्ट्रेस। दिस इज ऑल्सो क्रिटिक ऑफ द OECD रिपोर्ट एज इट कंसिडर्स लोन्स एट फेस वैल्यू नॉट द ग्रांट इक्विवेलेंट व्हाइल अराइविंग एट टोटल क्लाइमेट फाइनेंस फिगर्स। तो OECD की जो हम लोग रिपोर्ट अगर देखें तो ये क्या कर रहे हैं, इट कंसिडर्स लोन्स एट फेस वैल्यू, कितने मतलब
कितना पैसा आपने लोन के तौर पे दिया है उसको मतलब ये लोग जाके बता रहे हैं कि हम लोग जो ग्लोबल कमिटमेंट किए थे $100 बिलियन का, हम लोगों ने इतना लोन दिया है। ना कि ये लोग नहीं बोल रहे हैं कि हम लोग कितना ग्रांट दिए हैं। ग्रांट वो होता है जो आपका पैसा नहीं चुकाना होता, आप तो पूरा लोन के तौर पर ही दे रहे हैं, है ना। तो आप उसमें जो अगर आप $50 बिलियन दे रहे हैं उसमें से आपका ग्रांट मुश्किल से मुश्किल $1 बिलियन होगा, ठीक है, जो कि आपका इंट्रू सेंस जो क्लाइमेट फाइनेंस हो रहा है वो $1 बिलियन हो रहा है, लेकिन बाकी $49 तो आपने लोन के तौर पे दिया, वो आपका वापस मिलेगा। लेकिन आप कहने के लिए क्या बोल रहे हैं कि हमने $50 बिलियन दे दिया है, क्लाइमेट फाइनेंसिंग कर दिया है। बट द प्रॉब्लम इज दिस, यू आर गिविंग इट एज ए पार्ट ऑफ लोन, नॉट एज पार्ट ऑफ ग्रांट, ओके। तो ये हो गया एम्बिग्यूटी इन द डेफिनेशन ऑफ क्लाइमेट फाइनेंस एंड इश्यूज एसोसिएटेड। तो क्लाइमेट फाइनेंस में कुछ कुछ चीज़ें हैं जो एम्बिग्यूस है, जहाँ पर क्या है क्लियर डेफिनेशन नहीं है, और उसके वजह से कुछ चैलेंजेस है, वो उसको हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। सो अभी क्लाइमेट फाइनेंस क्या होता है उसका एक क्लियर डेफिनेशन नहीं है, इसीलिए भी आपने देखा होगा कि ये कन्वर्सेशन के शुरुआती टाइम में जो हम लोगों ने जो डिस्कशन करने की कोशिश किया, जो क्लाइमेट फाइनेंस को हम लोग एडिक्वेटली डिफाइन नहीं कर पाए थे, क्योंकि इसका कोई ब्रॉड एक्सेप्टेड डेफिनेशन नहीं है। और जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो चाहते हैं कि ये क्या रहे आपका वेग रहे, इसका कोई क्लियर डेफिनेशन ना रहे। तो क्लियर डेफिनेशन ना रहने की वजह से वो क्या होगा, जब जैसा चाहे जो जैसा चाहे अपने विम्स एंड फैंसी अपने मन मर्जी से वो क्या करेंगे डेफिनेशन डालेंगे। अगर आपने एक डेफिनेशन डाल दिया सबको उस डेफिनेशन को मानना पड़ेगा। तो ये बोलते हैं डेवलप्ड कंट्रीज बोलते हैं कि इट इज़ बेटर टू नॉट हैव ए डेफिनेट डेफिनेशन, क्लाइमेट चेंज का एक मतलब सिंगल डेफिनेशन ना रहना अच्छा है। अगर हम देखें COP26 में ग्लासगो में जो हुआ तो US ने क्या किया, एक कॉमन डेफिनेशन की जो कोशिश थी US ने उसको रोका कि नहीं इसको डिफाइन ना करें, आप डिफाइन करेंगे तो सबके ऊपर ऑब्लिगेशन हो जाएगा। तो क्यों ये डेवलप कंट्रीज चाहते हैं कि ये इसका एक डायरेक्ट डेफिनेशन ना हो, क्योंकि दैट विल पुट एक्स्ट्रा बर्डन ऑन यू, ठीक है। द एम्बिग्यूटी वर्क्स इन फेवर ऑफ रिचर कंट्रीज बिकॉज इट लीव्स द डोर ओपन टू आर्बिट्रेरली क्लासीफाई एनी फंडिंग इंक्लूडिंग ODA, ठीक है, एंड हाई कॉस्ट लोन्स। तो जो ये जो आपका डेफिनेशन अगर क्लियरली नहीं रहेगा तो रिच कंट्रीज इसको कभी भी इसको अपने तरीके से उसको मैनिपुलेट कर सकता है। देयरफॉर वर्ल्ड डेवलप्ड कंट्रीज कैन क्लेम दे हैव प्रोवाइडेड बिलियंस इन क्लाइमेट फाइनेंस, इन द एक्चुअल फ्लो नीड्स टू बी चेक्ड टू नो वेदर दे वेंट इन टू क्लाइमेट मिटिगेशन एंड एडेप्टेशन इन डेवलपिंग कंट्रीज और समथिंग एल्स। तो क्या ये जो आप क्लाइमेट फाइनेंसिंग की बात कर रहे हैं, क्या वो पैसा सही मायने में क्लाइमेट मिटिगेशन क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन में गया है, या फिर जो है आपका डेवलप कंट्रीज में जो वो है एडेप्टेशन मेजर्स को लेने के लिए गया है, या फिर ये सिर्फ अपने एडवर्टाइजमेंट के चक्कर में ही लगा दे है। सो वाट इज़ द ट्रू यू नो एक्सपेंडिचर, वाट हैज़ बीन द ट्रू कॉज ऑफ स्पेंडिंग दिस मच मनी, ये जानना बेहद ज़रूरी है। तो डेवलपिंग कंट्रीज़ को कितना फाइनेंशियल मदद चाहिए, ये एक बार एक इंटरेस्टिंग वो है। OECD रिपोर्ट बोलते हैं कि $100 बिलियन जो है हर साल देना, ये 2022 तक की तो बात थी, बट ये डेटा अभी भी पब्लिश नहीं हुआ कि एक्चुअली में कितना $1 बिलियन वहाँ पर लगाया गया है, ठीक है। बट द डेटा इज़ नाइदर फाइनलाइज्ड नॉर पब्लिश्ड एंड द एडवाइजेबल टेक अवे इज स्केप्टिसिज्म। तो अगर हमें पता ही नहीं है कितना पैसा आपने लगाया अभी तक, तो आगे हमें क्या करना चाहिए ये भी हमें नहीं पता। तो ये एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट द फिगर ऑफ $100 बिलियन केम आउट ऑफ ए थिन एयर एट COP15 टॉक्स एंड इज़ नॉट बेस्ड ऑन एन असेसमेंट ऑफ हाउ मच क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट डेवलपिंग कंट्रीज एक्चुअली नीड। तो ये पता नहीं किसके दिमाग में आया, ये बहुत ही अचानक से आया कि $100 बिलियन हर साल हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, लेकिन ये प्रॉपर एम्पिरिकल स्टडीज़ के बाद में नहीं है, साइंटिफिक स्टडी नहीं किया गया था कि एक्चुअली में हमारा कितना कॉस्ट होगा। सो OECD रिपोर्ट एडेड दैट बाई 2025 डेवलपिंग कंट्रीज़ को हर साल $1 ट्रिलियन की मदद चाहिए होगी। ये OECD का रिपोर्ट बता रहा है कि ये आप अपने आंसर राइटिंग में ऐड कर सकते हैं कि OECD रिपोर्ट जो बताते हैं कि 2025 आते आते हर साल $1 ट्रिलियन की ज़रूरत होगी, और 2026 से लेकर 2030 के बीच में लगभग $2.4 ट्रिलियन हर साल लगाना पड़ेगा इन ऑर्डर टू मिटिगेट द क्लाइमेट चेंज। द $100 बिलियन गोल पेल्स इन कंपैरिजन ड्रॉप्ड फर्दर बाय द फैक्ट दैट इट रिमेन्स अनमेड। तो एक तो $100 बिलियन सफिशियंट है ही नहीं, ऊपर से वो उतना भी आप क्या नहीं कर रहे, मीट नहीं कर रहे,
यू आर नॉट मीटिंग दैट कमिटमेंट ऑफ फाइनेंसिंग इवन $100 बिलियन. सो दैट इज़ द प्रॉब्लम. और प्राइवेट सेक्टर का क्या रोल हो सकता है इसमें? सो प्राइवेट फाइनेंसिंग की अगर हम बात करें क्लाइमेट एक्शन में, इट हैज़ बीन स्टैग्नेटेड फॉर अ डिकेड. मतलब प्राइवेट सेक्टर की जो पार्टिसिपेशन काफ़ी लिमिटेड रही है. और जो मल्टीलेटरल चैनल्स है, जैसे आपका मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स हो गया, मल्टीलेटरल क्लाइमेट फंड्स हो गया, यहाँ से जो फंडिंग है ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर की इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर कम हुआ है. तो OECD सजेस्ट करते हैं कि गवर्नमेंट इंटरवेंशन को हमें क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा. एंड कॉल्ड ऑन MDBs टू इंटीग्रेट प्राइवेट फाइनेंस मोबिलाइजेशन स्ट्रेटजीज एज पार्ट ऑफ देयर कोर ऑब्जेक्टिव. तो बोलते हैं कि गवर्नमेंट की जो हस्तक्षेप है, गवर्नमेंट की जो इन्वॉल्वमेंट है, उसको थोड़ा सा कम करना पड़ेगा और प्राइवेट जो एंटिटीज़ हैं उनकी पार्टिसिपेशन बढ़ाना ज़रूरी है. क्योंकि कोई भी इनिशिएटिव विदाउट द पार्टिसिपेशन ऑफ कॉमन पीपल और विदाउट द पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल कैन नॉट बी मेड सक्सेसफुल. तो इसीलिए हमें चाहिए कि प्राइवेट सेक्टर की जो पार्टिसिपेशन है ये बढ़ाया जाए थ्रू दी एसोसिएशन ऑफ मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स एंड यू नो प्राइवेट private farms. Its reasoning is that the private sector can help enable climate action, but it requires the proactive involvement of government and international institutions to support. तो private sector अपने आप भी काम नहीं कर सकते, इसके लिए उनको government या फिर multilateral institutions की support चाहिए होगा. ठीक है. और ये क्या करेगा, de-risking individual project as well as to create the necessary conditions for investment in developing countries more generally. तो ये हो सकता है कि अगर आप private sector को involve करें तो उनकी जो भी developmental projects होती हैं developing countries में, वो क्या करेंगे, काफ़ी responsibly उन सारे projects को carry out करेंगे. ठीक है. आज के डेट में अगर हम देखें, there are not any signs that the private sector is interested in massively scaling up its climate investments. तो private sector भी बहुत ज़्यादा enthusiastic है नहीं, private sector को कोई interest नहीं है climate financing में. ठीक है. तो ये जो प्रॉब्लम है पर्टिकुलरली वर्स फॉर क्लाइमेट एडेप्टेशन, बिकॉज इन्वेस्टमेंट इन दिस सेक्टर कैनॉट जनरेट द सॉर्ट ऑफ हाई returns. क्लाइमेट एडेप्टेशन के लिए लोग क्यों नहीं इन्वेस्ट करना चाहते, क्योंकि वहाँ पर रिटर्न बहुत कम है. अगर रिटर्न कम है, कोई भी बिजनेसमैन, उनको क्या चाहिए, रिटर्न चाहिए. उनको क्या चाहिए, रेवेन्यू जनरेशन, प्रॉफिट कितना आएगा. एट द एंड ऑफ द डे द बॉल रोल्स बैक इन टू द कोर्ट ऑफ द पब्लिक फंडिंग. गवर्नमेंट के पैसे से ही फिर यह हो जाता है कि गवर्नमेंट के ऊपर ही सारा जिम्मेदारी आ जाती है. दैट इज़ गवर्नमेंट्स इन द डेवलप्ड वर्ल्ड प्लस मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स. तो प्राइवेट सेक्टर की हमें पार्टिसिपेशन चाहिए, लेकिन वो कर नहीं रहे. क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि उनको प्रॉफिट कम मिलती है. सो इंडिया ने क्या क्या इनिशिएटिव लिया है सो फार. नेशनल एडेप्टेशन फंड फॉर क्लाइमेट चेंज NAFCC ये 2015 में बिठाया गया है टू मीट द कॉस्ट ऑफ एडेप्टेशन टू क्लाइमेट चेंज फॉर द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज. तो यूनियन टेरिटरीज और स्टेट में क्लाइमेट चेंज के वजह से जो भी बदलाव आ रही हैं उसको एडेप्ट करने के लिए कितना खर्चा होगा, उसको पूरा करने के लिए NAFCC बनाया गया था 2015 में. ठीक है. उसके अलावा क्या था, नेशनल क्लीन एनर्जी फंड बनाया गया है. तो ये क्लीन एनर्जी को प्रमोट करते हैं और एंड फंडेड थ्रू एन इनिशियल कार्बन टैक्स ऑन द यूज़ ऑफ कोल बाय इंडस्ट्रीज. तो इंडस्ट्रीज़ को डिस्करेज करने के लिए कि इंडस्ट्रीज कम से कम कोल एनर्जी यूज़ करें, उसके लिए उनके ऊपर एक कोल टैक्स लगाया गया ताकि क्लीन एनर्जी की तरफ हम लोग आगे बढ़ पाए. फिर हम लोग क्या देखते हैं, ये जो क्लीन एनर्जी फंड जो है इसको कौन वो करते हैं, गवर्न करते हैं इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप IMG विद द फाइनेंस सेक्रेटरी एज द चेयरमैन. तो इसका चेयरमैन कौन होता है, फाइनेंस सेक्रेटरी. तो ये आपको पूछा जा सकता है. और इसका काम क्या है, मैंडेट क्या है, इट्स मैंडेट इज टू फंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी इन द फॉसिल एंड नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड सेक्टर्स. उसके अलावा नेशनल एडेप्टेशन फंड बनाया गया था 2014 में और इसमें 100 करोड़ रुपया मतलब असाइन कर दिया गया ताकि क्या किया जाए, जो हमारी जो वो है ब्रिजिंग द गैप बिटवीन द नीड एंड द अवेलेबल फंड्स. तो इसको लिए जो इन्वायरमेंटल जो चेंजेस है उसको हमें जितनी उसको मद्देनज़र रखते हुए हमें जितना काम करने की ज़रूरत है, जितना पैसे की ज़रूरत है, तो उस गैप को फुलफिल करने के लिए ये कॉर्पस ये फंड बनाया गया था. और ये ऑपरेट किया जाता है MOFCC के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा. इंडिया का पोजीशन क्या है क्लाइमेट फाइनेंस के ऊपर, ग्लोबल प्रॉब्लम. इंडिया फार्मली बिलीव्स दैट क्लाइमेट चेंज इज ए ग्लोबल कलेक्टिव एक्शन प्रॉब्लम. पूरे ग्लोबली हमें यहाँ पर वो करना पड़ेगा, इनिशिएटिव लेना पड़ेगा. कोई एक कंट्री रेस्पॉन्सिबली, कोई एक कंट्री सोलली इस चीज़ को सक्सेसफुल नहीं बना सकता है. एक क्लियर डेफिनेशन होना बेहद ज़रूरी है. ठीक है. इसको क्लियरली डिफाइन करें ताकि हर कोई उस डेफिनेशन को माने, फॉलो करे. कैपेसिटी बिल्डिंग एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र. हाँ, क्या करना चाहिए, क्लाइमेट चेंज से जुड़ने के लिए हमें नए नए कैपेसिटीज़ का या मतलब टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को हमें
इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा। एट द सेम टाइम वी मस्ट शेयर दिस टेक्नोलॉजिकल एंड इन्फॉर्मेशंस विथ अदर कंट्रीज इन ऑर्डर टू फाइट दिस क्लाइमेट चेंज इन अ मोर बेटर वे। तो आगे क्या हो सकता है, द कंपोजिशन ऑफ पब्लिक क्लाइमेट फाइनेंस पोर्टफोलियोज विल प्रोग्रेसिवली चेंज टुवर्ड्स अ लार्जर शेयर ऑफ एक्टिविटीज विथ लो टू नो प्राइवेट फाइनेंस मोबिलाइजेशन पोटेंशियल। तो हम लोग क्या देखते हैं कि जो क्लाइमेट फाइनेंस की जब भी हम बात करते हैं तो ये और बेहतर हो सकता है अगर हम लोग जो वो करें विथ लो टू नो प्राइवेट फाइनेंस मोबिलाइजेशन पोटेंशियल, मतलब कि प्राइवेट फाइनेंस की हमें ज़रूरत है। दिस इंक्लूड्स फाइनेंस फॉर एडप्टेशन, कैपेसिटी बिल्डिंग, ग्रांट्स फॉर एटलीस्ट डेवलप्ड एंड स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग कंट्रीज। तो जो स्मॉलर कंट्रीज हैं, जो आइलैंड कंट्रीज हैं, उनके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उनको हमें फाइनेंस प्रोवाइड करना पड़ेगा। और ये जो ग्रांट बेस्ड कॉन्सेशनल इंटरनेशनल पब्लिक क्लाइमेट फाइनेंस है, इट विल कंटिन्यू टू प्ले द की रोल इन एड्रेसिंग द नीड्स। तो जो ग्रांट बेस्ड जो आप क्या करें, एक तो ग्रांट भी दे रहे हैं और बहुत ही कॉन्सेशनल इंटरेस्ट रेट पर जो लोन दे रहे, ये हमारा फंडामेंटल चीज़ होगा इन ऑर्डर टू फाइट क्लाइमेट चेंज। फिर डेवलप कंट्रीज़ की अगर हम बात करें, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनको क्या करना पड़ेगा, डेवलपिंग कंट्रीज़ को कंटिन्यूसली क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन के लिए हेल्प करते रहना चाहिए, ठीक है। चाहे वो ईवी हो, विंड एनर्जी हो, सोलर एनर्जी हो, उन सब काम में डेवलप कंट्री क्या करें, डेवलपिंग कंट्रीज़ को मदद करें, ठीक है। और उनका जो 100 बिलियन डॉलर का जो गोल है इसको भी क्या करें, फुलफिल करें। फर्दर देर इज़ अ नीड टू सस्टेन अ पॉलिटिकल कमिटमेंट टू रेजिंग न्यू फाइनेंस। तो हमें और नए लेवल पे फाइनेंशियल जो है हमें क्या करना पड़ेगा, फंड रेजिंग, मतलब फाइनेंस को रेज करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हम लोग क्या देख सकते हैं, हो सकता है विथ रेस्पेक्ट टू क्लाइमेट फाइनेंस। तो दिस इज़ अ ब्रॉड डिस्कशन विथ रेस्पेक्ट टू क्लाइमेट फाइनेंस और इस रिपोर्ट की, OECD रिपोर्ट की क्या महत्व है और हमें क्या क्या लूपहोल्स इसमें देखने के लिए मिला और आगे क्या हो सकता है। सो दैट शैल बी ऑल फॉर टुडेज डिस्कशन। प्लीज़ लेट मी नो इफ यू हैव एनी डाउट और कन्फ्यूजन। See you in the next video. Thank you so much.